ओके, सो दिस लेक्चर इज ऑन कोलेस्टिटोमा। तो जो कोलेस्टिटोमा है वो क्या होता है? कोलेस्टिटोमा को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इट इज अ स्किन एट अ रॉन्ग प्लेस। मतलब कि जो हमारा मिडल ईयर है उसके अंदर म्यूकोजा लाइंड होती है, ठीक है, इन नॉर्मल केसेस। अगर हमारे मिडिल ईयर के अंदर केरेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है, का प्रेजेंस हमें मिले तो उसको हम बोलते हैं कोलेस्टिटोमा। अब जो हमारा कोलेस्टिटोमा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है इस तरीके से, या तो वो मैट्रिक्स में डिवाइड होगा या फिर सेंट्रल वाइट मैटर में। अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के दो पार्ट हैं, एक तो है ये ब्लू कलर का, दिस ब्लू कलर के इस सेल्स, कौन से सेल्स जिसमें वो कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे म्यूकोजा जो नॉर्मल मिडिल ईयर की है वो कन्वर्ट हो जाती है केरेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथीलियम में, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम में। तो दिस ब्लू कलर के सेल्स इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। और ये तो इट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम एंड इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रोमा। जो थिन स्ट्रोमा है इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। दिस पिंक कलर का जो लाइन है दिस इज दिस सिग्निफाइज फाइब्रस स्ट्रोमा। फिर जो सेंट्रल वाइट मास है, दिस इज सेंट्रल वाइट मास। ये जो सेंट्रल वाइट मास है इट कंसिस्ट ऑफ केरेटिन डेब्रिस, ठीक है। ये जो केरेटिन डेब्रिस है ये एक्यूमुलेट होके क्या बनाता है उसको हम बोलते हैं केरेटोमा, ठीक है, केरेटोमा। फिर हम आते हैं हमारे थ्योरीज पे। तो ये कोलेस्टिटोमा बना कैसे, इसके लिए फाइव डिफरेंट थ्योरीज है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है कोजेनाइटल हमारे कोलेस्टिटोमा के लिए। हमारा कोजेनाइटल कोलेस्टिटोमा कैसे अराइज होता है? जो हमारे एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं जो बच जाते हैं, कोजेनाइटल सेल रेस्ट जो होते हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। ये सबसे पहले टाइप की थ्योरी है। फिर दूसरी टाइप की जो थ्योरी है वो है हमारी इनवेजिनेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द एटिक या फिर पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स टेंसा, ठीक है। इनवेजिनेशन मतलब इस तरीके से जो हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट हो जाए, ठीक है। ये क्या है, हमारा मेलियस है, ये मेलियस के ऊपर एटिक रीजन होता है, ठीक है। इस रीजन के ऊपर इस तरीके से रिट्रैक्शन पॉकेट जो बन जाती है, इस रिट्रैक्शन पॉकेट के अंदर केरेटिन डेब्रिस एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। इस थ्योरी को हम बोलते हैं विट मैक्स थ्योरी, ओके। फिर थर्ड थ्योरी है हमारी बेसल सेल हाइपरप्लेजिया की, इसको हम बोलते हैं रूडीज थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, जो स्किन, जो हमारी नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो स्किन होती है उसके अंदर बेसल सेल लैमिना होती है ना। तो जो बेसल सेल लैमिना है वो पॉलीफरेट कर जाती है और पॉलीफरेशन के बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि हमारा बेसल सेल हाइपरप्लेजिया जाता है, कोलेस्टिटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर हमारी थर्ड थ्योरी है वो है सेडेस थ्योरी। जो सेडेस थ्योरी है वो होती है मेटाप्लेजिया की थ्योरी, कि जो हमारी जो नॉर्मल एपिथीलियम है उसका मेटाप्लेजिया हो गया ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन, ठीक है। फिर हमारी जो लास्ट थ्योरी है वो है एपिथीलियल इन्वेजन। एपिथीलियल इन्वेजन क्या होता है, जो हमारा ये हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो इस साइड है, इस साइड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की साइड पे हमारी नॉर्मल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, मतलब कौन सी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। और हमारी इनसाइड अंदर की साइड पे कौन सी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, हमारी हमारी म्यूकस लाइंड एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, अगर प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, और जो हमारा परफोरेशन है वो मार्जिनल टाइप है। मार्जिनल टाइप मतलब कि मार्जिन मतलब वो पूरे मार्जिन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब एन्यूलस को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी बाहर की जो सर्फेस होती है, एक आउटर सर्फेस, वो उसकी जो एपिथीलियम होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, वो अंदर की तरफ ग्रो कर जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एपिथीलियल इन्वेजन। इस थ्योरी को हम हाइबरमैन्स थ्योरी भी कहते हैं। अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो डिफरेंट टाइप्स में, कोजेनाइटल हो सकती है या फिर एक्वायर्ड हो सकती है। अगर कोजेनाइटल है, ठीक है, या फिर मतलब कि बर्थ से प्रेजेंट है, एक्वायर्ड मतलब बाद में एक्वायर की है, तो एक्वायर्ड भी प्राइमरी हो सकती है फिर सेकेंडरी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कोजेनाइटल पे। तो हमारी कोजेनाइटल थ्योरी क्या कहती है, हमारी कोजेनाइटल थ्योरी कहती है कि जो हमारी एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल से अराइज होती है कोजेनाइटल कोलेस्टिटोमा, ठीक है। अब इसका ओरिजिन
तीन तरीके के जो सेल्स हैं, मतलब तीन तरीके की प्लेसेस से अराइज हो सकती है, एक तो मिडल ईयर, एक पेट्रस एपेक्स और एक सेरेब्रो पॉन्टाइन एंगल, इन तीन जगह से अराइज हो सकता है। फिर अभी अपियर कैसे होता है, इट अपियर्स होता है एज अ वाइट मास बिहाइंड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और ये कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस करवाता है, और इसके रप्चर से हमें डिस्चार्जिंग ईयर मिलता है, ठीक है। फिर एक्वायर्ड टाइप, अब एक्वायर्ड टाइप में क्या होता है, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ आइदर ओटाइटिस मीडिया और अ प्रीवियस परफोरेशन, ना पहले कभी कोई परफोरेशन हुआ होता है पेशेंट को, ना ही ओटाइटिस मीडिया हुआ होता है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी एक्वायर्ड कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारा ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन हमें देखने को मिलता है साथ में, और क्या होता है जो एटिक होता है हमारा यहाँ पर प्रेजेंस प्रोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट पे, उस पर क्या होता है पेवमेंट एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, एटिक पे पेवमेंट एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, जो पेवमेंट एपिथीलियम है उसका मेटाप्लेजिया हो जाता है इनटू केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे कोलेस्टेटोमा का फॉर्मेशन होता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा यूस्टेशियन ट्यूब है यहाँ पर उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो जाता है कहाँ, मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो जाता है मिडल ईयर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाती है और एक इनवेजिनेटेड सैक बन जाता है, ठीक है। हमारी थर्ड थ्योरी, ड्यू टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, रिपीटेड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से बेसल सेल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है हमारी, इसके जो बेसल सेल्स है इसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है और एटिक का जो होता है परफोरेशन हो जाता है। फिर है हमारा सेकेंडरी एक्वायर्ड, सेकेंडरी एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है कि पहले से देर इज प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन इन पार्स टेंसा, ठीक है, हमारा जो पार्स टेंसा है उसके अंदर पहले से परफोरेशन है, ठीक है, अब उस परफोरेशन का जो रीजन है वो जनरली एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि परफोरेशन की वजह से जो हमारा जो बाहर की एपिथीलियम है, ये हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो बाहर की साइड की एपिथीलियम है, जो हमारी केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथीलियम है, वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाती है इनटू द मिडल ईयर, जो मैंने पहले बताया था, या फिर क्या हो सकता है मेटाप्लेजिया हो सकता है ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन और परफोरेशन। जो हमारा कोलेस्टेटोमा है वो एक हिस्ट्री दिखाता है ऑफ क्या, बोन इन्वेजन एंड इरोजन, तो ये जितनी भी अंदर ऑसिक्यूलर बोन्स है हमारी, ठीक है, देन देयर इज मैस्टॉइड और इन, और फिर हमारा क्रेनियल कैविटी, ये इसके अंदर इन्वेट कर सकता है और ये अंदर इन्वेट करके टेम्पोरल बोन और इन सब बोन्स का हमारा इरोजन करवा सकता है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।